दिल्ली में डीजल और पेट्रोल पर वैट बढ़ने के बाद बड़ा सियासी बवाल शुरू हो गया। आज बीजेपी और कांग्रेस सड़क पर उतरी, केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। सबसे बड़ा सवाल उठा, आखिर क्यों केजरीवाल अपने वायदे से मुकर गए? जो केजरीवाल दिल्ली में सबसे कम वैट रखने का वादा करते थे, उन्हीं की सरकार में दिल्ली में वैट बम क्यों फोड़ा? दिल्ली की जनता के साथ ये धोखाधड़ी है, दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी है। बड़ा गलत है, तो जनता के साथ जो है विश्वासघात है। एक स्मगलिंग ना हो और तमाम तरह की जो इलीगल काम होते हैं वो ना हो, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है। पूरे देश में डीजल पेट्रोल सस्ता हो गया, लेकिन दिल्ली वालों के लिए महंगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ? केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इस पर अजीबोगरीब तर्क दे रही है। आपकी ये सफाई सुनने से पहले देखिए कैसे डीजल पेट्रोल की लड़ाई सड़क पर आ गई। बढ़ाए गए वैट के खिलाफ इंडियन यूथ कांग्रेस यानी कि भारतीय युवा कांग्रेस का प्रोटेस्ट अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हो रहा है। आप देख सकते हैं बैरिकेड से यहाँ रोकने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो फिलहाल बैरिकेड पे चढ़े हुए हैं और लगातार यही बात कहे जा रहे हैं कि जिस तरीके से वायदा किया गया था उस वायदे से मुकरे हैं, यूटर्न लिया है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतरी, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर के सामने हंगामा किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। महंगाई के नाम पर सभी पॉलिटिकल पार्टियों को पानी पी पी कर कोसने वाले अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली में वैट बढ़ाया डीजल पेट्रोल पे, तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतर आई। यहाँ पे आईटीओ पे आप देख सकते हैं दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के नेतृत्व में तमाम भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और बैरिकेड को तोड़ के आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। कल पेट्रोलियम कंपनियों ने देश भर में डीजल और पेट्रोल के दाम घटाने का ऐलान किया था। डीजल और पेट्रोल के दाम में 2-2 रुपए की कमी की गई, लेकिन दिल्ली में दाम घटते इससे पहले ही केजरीवाल सरकार ने वैट बढ़ाने की घोषणा कर दी। पेट्रोल पर वैट की दर 20% से बढ़ाकर 25% और डीजल पर वैट की दर 12.5% से बढ़ाकर 16.6% कर दी गई। केजरीवाल सरकार के इस फैसले से दिल्ली को महंगाई से जो राहत मिलती वो नहीं मिल पाई। अब सुनिए वैट बढ़ाने पर आम आदमी पार्टी की क्या दलील है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला लिया गया कि नॉर्दर्न स्टेट जितने भी हैं उन सब में पेट्रोल और डीजल के दाम करीब करीब एक जैसे रखे जाएं, जिससे जमाखोरी ना हो, जिससे स्मगलिंग ना हो और तमाम तरह की जो इलीगल काम होते हैं वो ना हो। एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है। ज्योग्राफिकल टैक्स आर्बिट्राज, जो टैक्स की चोरी और व्यापार में करे गए अपराध कि यहाँ से अगर सस्ता है तो दूसरी जगह से ना खरीदा जाए, यहाँ से खरीदा जाए, दूसरे राज्य को नुकसान करा दिया जाए, इस प्रकार की जो मैल प्रैक्टिसेस इस समय पनप रही है नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स में, इस प्रकार की मैल प्रैक्टिसेस को खत्म करने के लिए तमाम वित्त मंत्रियों ने ये फैसला लिया। पहले कभी सुना था कि किसी राज्य ने स्मगलिंग रोकने के लिए डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, लेकिन केजरीवाल के राज में ये भी हो गया। दिल्ली में पहले 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 66.62 रुपए थी, जो अब दिल्ली सरकार के वैट बढ़ने और फिर तेल कंपनियों के दाम घटाने के बाद 66.90 रुपए हो गई। यानी पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए की कमी होनी चाहिए थी, लेकिन 28 पैसे का इजाफा हो गया। वहीं डीजल की कीमत 50.22 रुपए से घटकर 49.72 रुपए हुई है। यहाँ भी 2 रुपए की बजाय सिर्फ 50 पैसे की ही राहत मिल पाई। दिल्ली वासियों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली वासियों को अब महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि जहां पे पूरे देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपये सस्ते हुए हैं, वहीं पे दिल्ली में पेट्रोल के दाम 28 पैसे महंगे हो गए हैं, वहीं पे डीजल के दाम में मामूली सी गिरावट आई है और 50 पैसे सस्ते हुए हैं। विधानसभा में जब वैट की दरें बढ़ाने के लिए मंजूरी ली गई थी, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमने सिर्फ वैट बढ़ाने की ताकत ली है, इसका इस्तेमाल नहीं किया। महज 15 दिनों में ही केजरीवाल सरकार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल भी कर लिया। जब वैट इन्होंने बढ़ाया था तो उसी में बेईमानी की थी, वहीं लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी। आप बजट में आपने ये प्रोविजन नहीं किया, आपने ये चोर रास्ते से एक प्रस्ताव के माध्यम से, और जिस समय आपने ये बढ़ाया था आप बयान निकालिए इनके कि हमने ये जो बढ़ाया है ये तो कभी हमने लीवरेज लिया है, और ये लीवरेज जो लिया था वो दिल्ली की जनता को महंगाई का गिफ्ट देने के लिए लीवरेज लिया था। जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल के भाव गिरे तो उनको
डोमेस्टिक मार्केट में भी तेल के भाव गिरने चाहिए, तो वैट लगा के कहीं ना कहीं जनता के साथ छल किया जा रहा है और जनता को महंगाई की मार पड़ रही है। तो अरविंद केजरीवाल जी का अगला इश्तिहार होना चाहिए कि वो काम करते रहे, हम परेशान करते रहे, बावजूद इसके कि केंद्र सरकार द्वारा और IOC जो स्टेट कंपनी है उन्होंने वैट उन्होंने बाकायदा दाम कम करे, लेकिन दिल्ली सरकार ने वैट के दाम बढ़ाए। आम आदमी पार्टी की दलील है कि नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद के मुकाबले दिल्ली में डीजल पेट्रोल की कीमतों में अंतर था। वैट बढ़ाकर दाम बराबर किया गया है ताकि कीमतें एक जैसी रहें, लेकिन दिल्ली वालों को ये सफाई रास नहीं आ रही। सर, इसमें मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, केजरीवाल सरकार से बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, जो कहा वो किया, तो क्या यही कहा था और क्या इसी के लिए दिल्ली की जनता ने मतलब अनएक्सपेक्टेड वोटिंग की थी? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है हम जैसे लोगों को, क्योंकि हम टू व्हीलर चलते हैं और उसके बावजूद हमें परेशानी होती है क्योंकि हमारी आमदनी इतनी नहीं है, हमारे 1 रुपये में लगता है 100 रुपये के बराबर हमें। चुनाव से पहले और सरकार बनाने के बाद केजरीवाल ने वादा किया था कि दिल्ली में वैट दूसरे राज्यों के मुकाबले कम होगा। 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ करती है सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों का, 5 लाख करोड़ का, और पेट्रोल और डीजल पे हम लोगों से टैक्स लेती है। हम लोगों से 2 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल और डीजल और गैस के ऊपर टैक्स लेती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा टैक्स माफ होना चाहिए, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर 5 लाख करोड़ का टैक्स माफ होना चाहिए कि पेट्रोल डीजल के ऊपर आम आदमी का 2 लाख करोड़ का टैक्स माफ होना चाहिए? केजरीवाल ने ऐलान किया था कि दिल्ली में सभी चीजों पर वैट की दरें बढ़ाने की बजाय कम की जाएंगी। हुआ ठीक उल्टा, शुरुआत डीजल पेट्रोल से हुई है, वैट घटने की बजाय बढ़ गया। कुमार कुंदन के साथ अभिमन्यु शर्मा, इंडिया TV, दिल्ली।